नमस्कार, आप देख रहे हैं शान न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ शान। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है और डेंगू का प्रकोप भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग सावधानी बरतें। आइए देखते हैं आज की 10 प्रमुख खबरें। जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक व अपर निदेशक डॉक्टर नरेंद्र कुमार गुप्ता को शासन ने पदोन्नत कर निदेशक लखनऊ महानिदेशक कार्यालय में निदेशक बनाया है। वो शनिवार को यहां से कार्यमुक्त होकर नई तैनाती के लिए जा रहे हैं। उन्होंने अपना चार्ज अस्पताल की वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शालिनी तिवारी को दिया है। डॉक्टर नरेंद्र कुमार गुप्ता ने इस साल 5 जनवरी को जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक का कार्यभार संभाला था। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक मालगाड़ी अचानक पटरी से उतर गई। शनिवार की सुबह लगभग 10:30 बजे एक मालगाड़ी अचानक 2B ट्रैक से डिरेल हो गई। ये हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर हुआ, जहां मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरने के बाद ट्रैक पर जा गिरे। इसकी वजह से इस रूट पर रेल संचालन बाधित हुआ है। हादसे की जानकारी मिलते ही DRM अजय नंदन समेत तमाम रेल अधिकारी मौके पर पहुंच गए। DRM अजय नंदन ने इस हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए हैं, ताकि हादसे के कारणों का पता चल सके। एक साल गुजरने के बाद भी 10 सराहे से कोहिनूर तिराहे तक सड़क किनारे के पोल व लाइन शिफ्टिंग का काम शुरू नहीं हो पाया है। साल भर पहले PWD की ओर से बिजली विभाग से एस्टीमेट मांगा गया, जिसके चलते बिजली अफसरों ने 1,10,00,000 का एस्टीमेट भेजा। एस्टीमेट भेजने के बाद से बिजली विभाग ने समय समय पर PWD को रिमाइंडर भेजे, लेकिन PWD एस्टीमेट बनवाकर भूल गया, जिससे अति महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का काम अब तक शुरू नहीं हो पाया है। शहर में जल्द ही ई चलान की व्यवस्था शुरू की जाएगी। 1 माह तक शहर में गलत वाहन चलाने, ट्रैफिक नियमों का पालन न करने पर वाहन के ई चलान का मैसेज वाहन स्वामी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाएगा। जागरूकता के लिए ये अलर्ट मैसेज होगा। इसके बाद ई चलान की व्यवस्था प्रभावी कर दी जाएगी। इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का जायजा लेने के बाद DM शैलेंद्र कुमार सिंह ने ये व्यवस्था लागू करने के निर्देश SP ट्रैफिक अशोक कुमार को और स्मार्ट सिटी के अफसरों को दिए। मुरादाबाद मंडल में कांग्रेस की पहली प्रांत जोड़ो यात्रा अमरोहा में 19 दिसंबर को पहुंचेगी। इसके बाद जोया में होने वाली सभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत तमाम नेताओं का जमावड़ा रहेगा। इसके बाद मुरादाबाद में आयोजित होने वाली सभा को लेकर कांग्रेसियों ने तैयारी शुरू कर दी है। शनिवार को शहर कांग्रेस कमेटी ने इसे लेकर बैठक बुलाई। इसमें 21 दिसंबर को मुरादाबाद में होने वाली प्रांत जोड़ो यात्रा की रूपरेखा तय हुई। NHM के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा की गई। इसमें मुरादाबाद में 48 और रामपुर में 12 नए अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाने की चर्चा हुई। इसके खुलने से शहरी आबादी को घर से कुछ ही दूरी पर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। अपर निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉक्टर रेखा रानी ने निर्देश दिए कि रामपुर और मुरादाबाद में सेंटर के लिए चिन्हित जगहों की रिपोर्ट अगले 5 दिन में मुहैया कराएं। मंडल रेल उपयोगकर्ता सलाहकार समिति की बैठक में मुरादाबाद के मूडा पांडे रेलवे फाटक पर अंडरपास बनाए जाने का मुद्दा उठा है। DRUCC के सदस्य और भाजपा नेता अभिषेक सिंह नीशू ने बैठक में ये मुद्दा उठाया है। अभिषेक का कहना है कि इस फाटक से रोजाना सैकड़ों गांवों के ग्रामीणों को गुजरना होता है। फाटक बंद होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। थाना भोजपुर पुलिस ने गश्त के दौरान एक बड़ी सफलता हासिल की है। ताजपुर माफी के पास अवैध रूप से मिट्टी का खनन करते डंपरों को थाना भोजपुर पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया और भोजपुर थाने लाकर उसे सीज कर दिया गया। शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी मुरादाबाद शैलेंद्र कुमार सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद हेमराज मीना द्वारा राजस्व पुलिस एवं अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ तहसील ठाकुर द्वारा पर आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर आए फरियादियों की शिकायतों को सुना गया तथा उनकी समस्याओं को उचित समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। संपूर्ण समाधान दिवस पर उप जिलाधिकारी ठाकुर द्वारा, क्षेत्र अधिकारी ठाकुर द्वारा, अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी गण भी उपस्थित रहे। आज समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर आगामी निकाय चुनाव को लेकर मेयर सीट के लिए महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर दावेदारी पेश की। मुरादाबाद नगर निगम की सीट महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई है, इसलिए आज जिला समाजवादी पार्टी कार्यालय पर 16 महिला दावेदारों ने अपनी दावेदारी पेश की। इस दौरान महानगर अध्यक्ष शानिया अली शानू, पूर्व जिला अध्यक्ष अथर अंसारी, वदूद खां, साजिद वारसी, सरवर मिर्जा व बड़ी तादाद में कार्यकर्ता व नेता मौजूद रहे।